साथियों, सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही है। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और रजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं बल्कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई है। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट हो, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरतें, विकास की जरूरतें यहां के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा।